बंज नहीं हुई। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। टीम इंडिया को 2007 में T20 और 2011 में वनडे विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज ने जून 2019 में अपने 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। मौजूदा वक्त में युवराज विदेशी लीगों में खेलते हैं, जिसके लिए उन्हें संन्यास के वक्त ही BCCI से परमिशन ली थी। युवराज सिंह ने क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से ही अपने नाम का लोहा मनवाते हुए तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। युवी का नाम सुनते ही सबसे पहले वो दृश्य जहन में आता है जब 2007 T20 विश्व कप के लीग मैच के दौरान युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। इस शानदार रिकॉर्ड को आज तक कोई खिलाड़ी हाथ भी नहीं लगा सका। युवराज को सबसे पहले BCCI की तरफ से बधाई मिली। BCCI ने अपने ट्वीट में युवराज को चैंपियन कहकर बधाई दी है, तो वहीं इनके साथ खिलाड़ी रहे रैना ने भी युवराज के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए ट्वीट किया। तो वहीं रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेव ने भी युवराज को ट्वीट करके बधाई दी। रितिका ने युवराज के बेहतर भविष्य और बेहतर सेहत की कामना की है। तो वहीं युवराज के साथ टीम इंडिया की फील्डिंग की जान रहे कैफ ने भी ट्वीट करके अपने साथी को बधाई दी। कैफ ने ट्वीट में लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, तुम हमेशा खुश रहो। उन्होंने आखिर में लिखा, यूवी चला चल रही। तो वहीं कप्तान कोहली ने भी युवराज को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं टीम के शानदार बल्लेबाज रहे लक्ष्मण ने भी टीम इंडिया के इस हीरो को बधाई दी है। तो वहीं युवराज के जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सुपरस्टार शब्द से पुकारा है। सचिन ने लिखा, सुपरस्टार तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि युवराज अपने वक्त के शानदार बल्लेबाजों में से एक थे। युवराज ने साल 2011 और 2007 के विश्व कप को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी।